Good morning, students. IP students, today we will discuss how to plot chart in Python. So let us start our topic. You can see that yesterday I have told you कि किस तरह से आप मैटप्लॉटलिब को मैटप्लॉटलिब जो लाइब्रेरी है पाइथन की उसको किस तरह से आप यूज कर सकते हैं और इसका जो पिपलॉट इंटरफेस है उसको हम यूज करते हैं चार्ट के लिए, चार्ट क्रिएट करने के लिए, डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब देखिए किस तरह से हमें चार्ट्स क्रिएट करने हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो चार्ट्स होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं। देखिए जो पिपलॉट इंटरफेस है मैटप्लॉट लाइब्रेरी का, मैटप्लॉटलिब जो लाइब्रेरी है पाइथन की, ये जो लाइब्रेरी है और इसका जो पिपलॉट इंटरफेस है, मींस ये समझ लीजिए कि ये हमारे पास एक सेट ऑफ फंक्शंस का एक पैकेज है हमारे पास और इसके डिफरेंट मेथड्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो पिपलॉट इंटरफेस है ये हमें काफी सारे मेथड्स हमें 2D प्लॉटिंग के प्रोवाइड करता है। अब 2D प्लॉटिंग ऑफ डेटा मींस 2-डाइमेंशनल डेटा की जो रिप्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ चार्ट। ये जो प्लॉटिंग ऑफ डेटा है, 2D प्लॉटिंग ऑफ डेटा है, ये हमारे रिलेटेड है चार्ट से। ठीक है, द मैटप्लॉटलिब पिपलॉट इंटरफेस लेट्स वन प्लॉट डेटा इन मल्टीपल वेज। अब देखिए ये हमें एक इंडिविजुअल को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किस तरह की, कि आप मल्टीपल वेज से चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। और कौन कौन से टाइप्स हैं चार्ट्स को क्रिएट करने के लिए, ध्यान से देखिए। लाइन चार्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, बार चार्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हैं और साथ में स्कैटर चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सिलेबस में है वो लाइन चार्ट है और बार चार्ट है। पाई चार्ट जो है सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, साथ में स्कैटर चार्ट भी हमारे पास बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, जस्ट लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ही है। तो अब आप देखेंगे कि हम चार्ट्स को किस तरह से क्रिएट करते हैं। ठीक है, वी कैन इजीली प्लॉट द डेटा अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ नंपाई एरेज और लिस्ट है और डेटा फ्रेम्स है। मतलब जो डेटा हमारा नंपाई एरेज की फॉर्म में है उसको हम एज अ चार्ट एलिमेंट्स, मतलब चार्ट का डेटा हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। किसको? नंपाई एरे को हम एज अ चार्ट डेटा हम यूज कर सकते हैं। तो जो डेटा फ्रेम्स हैं, अब आपको पता है डेटा फ्रेम्स में हमारा क्या होता है, 2D डेटा होता है, हमारे पास रोज भी होते हैं और कॉलम्स भी होते हैं। तो डेटा फ्रेम्स को भी हम अपने चार्ट को प्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो डेटा फ्रेम के डेटा को हम चार्ट की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, साथ में हम यहाँ पे लिस्ट अगर हमारे पास है तो लिस्ट के एलिमेंट्स को भी हम चार्ट के डिफरेंट एलिमेंट्स को डिपिक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब आपको एक चीज तो पता ही होगी, देखिए ये छोटा सा एग्जांपल मैं आपको वैसे ही दिखा रही हूँ। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल बता रही हूँ, आपने ये चैप्टर देखा भी होगा बहुत सारे बच्चों ने, तो उनको मे भी कुछ को समझ आया हो और कुछ को ना समझ आया हो। तो देखिए क्या है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, इन्होंने क्या किया है, नंपाई एरे को यूज किया है एक चार्ट को क्रिएट करने के लिए। और जो चार्ट है हमारा वो किस तरह से हमें क्रिएट करना है, आपको पता है कि अगर हम नंपाई एरे को यूज करें तो हमें इनिशियली नंपाई एरे को क्या करना पड़ेगा, नंपाई मॉड्यूल को हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। और ये हमने एनपी ऑब्जेक्ट से क्या किया है, इस मॉड्यूल के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया है। इसके बाद इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पिपलॉट एज पीएल, हमने क्या किया, मैटप्लॉटलिब का जो इंटरफेस है पिपलॉट इंटरफेस उसको हमने पीएल ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्या किया, इसको यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया। मतलब अब हम इस मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को, इसके पिपलॉट इंटरफेस को हम पीएल ऑब्जेक्ट की हेल्प से कहीं भी यूज कर सकते हैं चार्ट के लिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, x इज इक्वल टू एनपी डॉट लाइन स्पेस। ये मेथड आपने आज से पहले बहुत कम देखा होगा, चैप्टर वन में हमने सीरीज के केस में ये एक छोटा सा मेथड हमने यूज किया था, लेकिन यहाँ मैं इस मेथड को फिर से बता देती हूँ। यहाँ एनपी का अरेंज मेथड भी यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ देखिए एक चीज
ध्यान से देखना कि लाइन स्पेस मेथड जो यूज किया है ना, इससे एलिमेंट्स 6 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। जो थर्ड नंबर पे आर्गुमेंट है, इसका मतलब है कि कितने पार्ट करने हैं उसके, ठीक है। और 1.5 का मतलब 1 से स्टार्ट करके 5 तक, मींस 1 to 5 एलिमेंट्स को कितने इक्वल पार्ट्स में, इक्वल एलिमेंट्स में डिवाइड करना है, 6 एलिमेंट्स में उसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो रेंज हमारी 1 to 5 रहेगी और एलिमेंट्स जो है 6 बन जाएंगे इस रेंज में, ठीक है। अब देखिए ये एलिमेंट्स जो बनेंगे हमारे पॉइंट्स में ही होंगे। फर्स्ट तो हमारा 1.0 से स्टार्ट होगा, फिर सेकंड वाला हमारा 1.8 जाएगा, और फिर 1. आप देख लीजिए कि क्या जाएगा आगे उसमें, 0.8 आप 1.8 को ऐड करते रहना, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। 0.8 जो है इस तरह से बनेगा हमारा ये इसका सेगमेंट। अब इसके बाद एक और लाइन इन्होंने दी है वाई। वाई वेरिएबल में ये क्या कर रहे हैं, np.log x, मतलब कि जो एक्स पे फर्स्ट वैल्यू होगी उसको किस में, उसका क्या कर रहे हैं, उसका लॉग फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। जब ये चार्ट प्लॉट होगा तो x और y को इसके कोऑर्डिनेट्स बना दिए हैं, ठीक है। x इसका x एक्सिस इसका एज्यूम कर लिया हमने, और y में जो एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे जो है कंप्यूट होते चले जाएंगे एलिमेंट्स, उनको इन्होंने y एक्सिस पे, ये y एक्सिस होता है जो वर्टिकल पार्ट होता है चार्ट का, वो y एक्सिस होता है, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है चार्ट का वो हमारा x एक्सिस होता है। तो ये यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से होगा कि फर्स्ट टाइम जब आप इसको फर्स्ट एलिमेंट को कंसीडर करोगे ना, तो फर्स्ट क्योंकि ये 1 से 5 तक है तो 1.0 से स्टार्ट होगा, मींस फर्स्ट पॉइंट हमारा प्लॉट होगा 1.0। अब ये 1.0 का क्या करेगा, लॉग फाइंड आउट करेगा, उसका लॉग जो है आपका पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। पॉइंट समथिंग जो आया उसका लॉग 0 point something, वो उस पे इसने एक डॉट लगाया। फिर नेक्स्ट जो आया 1.8 आया एक्स एक्सिस पे, नेक्स्ट जो सेगमेंट बनेगा वो 1.8 बनेगा। आप इसको खुद कैलकुलेट करके देख सकते हो, देख लेना, और साइंटिफिक कैलकुलेटर से हर आइटम का लॉग फाइंड आउट कर लेना, तो आपको ये जो ग्राफ बना हुआ है ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा। फिर देखना 1.8 का लॉग फाइंड आउट करेंगे तो उसके बाद वो कहाँ जाएगा वो देख लो, ये कुछ इस तरह से 0.57 के आसपास या 6 के आसपास अराउंड इतना ही बनेगा, ठीक है। तो ये जो लाइन चार्ट होता है ना, इसमें जो डिफरेंट पॉइंट्स प्लॉट होते चले जाएंगे उनको एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना होता है। लाइन चार्ट यही होता है कि जो पॉइंट्स बनते चले जाएंगे एक्स और वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स जहां पे मैच कर रहे हैं, जहां पे एक पॉइंट बन रहा है, वहां ये उन पॉइंट्स को जब कनेक्ट करेगा ना, तो एक स्ट्रेट लाइन जो है वहां पे ड्रॉ हो जाएगी लाइन चार्ट की फॉर्म में। अब चार्ट क्रिएट करने के लिए अगर आपको लाइन चार्ट क्रिएट करना है तो सिंपल हमें क्या करना है, पेप्लॉट इंटरफेस का प्लॉट मेथड यूज करना है हमें, ठीक है। प्लॉट मेथड हमारा लाइन चार्ट को क्रिएट करने के लिए यूज होता है, सेम प्लॉट मेथड हमारा स्कैटर चार्ट को यूज कर क्रिएट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लाइन चार्ट की बात कर रहे हैं तो हम इसको प्लॉट मेथड को लाइन चार्ट क्रिएट करने के लिए ही यूज करेंगे, ठीक है। और ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम जो डालते हैं वो उसकी वैल्यू हमारी एक्स एक्सिस के लिए होती है, और सेकंड कोऑर्डिनेट जो होता है वो हमारा वाई एक्सिस के लिए होता है, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारा क्या हो सकता है, ये हमारा कोई नंपाई एरे भी हो सकता है या फिर हमारी कोई लिस्ट भी हो सकती है, ये चीज, ठीक है। इसके बाद देखिए बेसिक्स ऑफ सिंपल सिंपल प्लॉटिंग। अब कुछ सिंपल हमारे प्लॉटिंग टाइप्स हैं, चलिए इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये तो थ्योरी का पॉइंट है। हम स्टार्ट करते हैं कि लाइन चार्ट को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट को लेते हैं, ठीक है, जो हम पॉइंट लेंगे उसी को हम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये तो बाद में भी डिस्कस हो जाएंगे। लाइन चार्ट को लेते हैं। अ लाइन चार्ट और लाइन ग्राफ इज अ टाइप ऑफ चार्ट विच डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन एज अ सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स कॉल्ड मार्कर्स कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स विद प्लॉट। अ लाइन चार्ट इज क्रिएटेड यूजिंग प्लॉट फंक्शन। अब देखिए जब हम लाइन चार्ट क्रिएट करते हैं, अभी मैंने एक बात की कि यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स जो है एक्स और वाई एक्सिस जो जहां पे पॉइंट करता है, एक्स का जो पॉइंट होगा इस तरह से इस कोऑर्डिनेट का पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा और वाई एक्सिस का पॉइंट जो है इस तरह से हॉरिजॉन्टली इधर मूव करेगा, तो जहां एक पॉइंट बनेगा
उस पॉइंट को चार्ट में हम क्या कहते हैं, मार्कर्स। तो डिफरेंट मार्कर्स जो यहाँ पे प्लॉट हो जाएंगे उनको हम क्या करेंगे लाइन चार्ट में, ये पाइथन क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन से उनको कनेक्ट कर देता है। तो उन पॉइंट्स को ही हम इसमें क्या कहते हैं, मार्कर्स कहते हैं। और लाइन चार्ट को क्रिएट करने के लिए हम प्लॉट फंक्शन यूज कर सकते हैं, किसका, पिपलॉट इंटरफेस का। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, आगे आपको जस्ट डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स बताए गए हैं कि कौन कौन से चार्ट्स हैं, ठीक है। ये बार चार्ट आपको नजर आ रहा है, ये पाई चार्ट है, ये स्कैटर चार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट चार्ट्स होते हैं, लेकिन हम इनको डिटेल में हम इनको नहीं करने वाले, हम यहाँ से अपना चार्ट देखते हैं, चार्ट को किस तरह से क्रिएट करना है, क्रिएटिंग लाइन चार्ट। हम सिर्फ लाइन चार्ट की बात कर रहे हैं, स्कैटर चार्ट की बात नहीं कर रहे हैं अभी। तो कोई भी चार्ट हमें क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मैटप्लॉटलिब के पिपलॉट इंटरफेस को इंपोर्ट करना है इस तरह से, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, हम इसको इस तरह से भी इंपोर्ट कर सकते हैं और इस तरह से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, जब हम लाइन चार्ट को क्रिएट करेंगे तो हम उसके लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए हम इस तरह से लिस्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। आप लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए। उसके बाद देखिए आपको बताते हैं कि हम चार्ट को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सीधा पाइथन के इसमें स्पाइडर में लेकर के चलती हूँ, जहां से आप इजीली देख पाएंगे कि चार्ट को किस तरह से क्रिएट करते हैं। अब देखिए मैं पाइथन के स्पाइडर को ओपन कर रही हूँ, वहां मैंने पहले से कुछ पॉइंट्स को क्रिएट करके रखा हुआ है। देखिए मैंने यहाँ चार्ट्स को बना के रखा हुआ है पहले से, मैंने यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लिया हुआ है, और एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया हुआ है आप देख सकते हैं। देखिए एक्स एक्सिस पे मैंने क्या किया है, लाइन स्पेस मेथड यूज किया, मैंने 6 एलिमेंट्स लिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बिल्कुल होल नंबर्स में इन सीरीज को डिवाइड करके दिखाया है। तो 1 से 6 तक मैंने क्या किया, एलिमेंट्स लिए हैं और उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 6 पार्ट्स में, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिया, लाइन स्पेस मेथड, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई और रेंज भी यूज करते ना तो लाइन स्पेस उनको इक्वली क्या कर देता, अरेंज कर देता, डिवाइड कर देता। फिर लाइन स्पेस मेथड से ही मैंने वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या लिया, 2 to 12 मैंने ये रेंज ली है और उसको भी मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फिर मैंने क्या किया, पीएल डॉट प्लॉट, प्लॉट किसके लिए यूज किया मैंने, लाइन चार्ट के लिए मैंने ये मेथड यूज किया, पीएल डॉट प्लॉट और एक्स कॉमा वाई को एक्स एक्सिस और एज अ वाई एक्सिस मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद देखिए जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो इसने यहाँ पे ये लाइन चार्ट को क्रिएट कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखिए अगर हम इतना ही देखें तो ये थोड़ा सा हमें अधूरा लगता है। अगर हम इस चार्ट को देख रहे हैं तो हमें पता नहीं चल रहा है कि ये एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है, ठीक है। हम इनको लेबल करना चाहते हैं, अगर हमें इनको लेबल करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से पीएल डॉट एक्स लेबल, मतलब कि एक्स एक्सिस पे आप क्या करना चाहते हैं, क्या लेबल देना चाहते हैं, एक्स एक्सिस देना चाहते हैं, कोई वैल्यू पुट करना चाहते हैं, क्वांटिटीज है, प्राइस है, प्रोडक्शन है, नेम है किसी के, तो वो आप यहाँ पे इस तरह से लेबल कर सकते हैं, इस तरह से पीएल डॉट एक्स लेबल, ठीक है, एक्स लेबल। यहाँ पे आप डबल क्वोट्स में जो स्ट्रिंग पास करेंगे वो चार्ट के यहाँ एक्स एक्सिस पे आपको नजर आएगी। अब ध्यान दीजिए यहाँ मैंने सिर्फ लेबल किया है, मैंने कोई चार्ट नहीं क्रिएट किया। आपको पता है ये इंटरैक्टिव मोड है और इंटरैक्टिव मोड में क्या होता है, इंटरैक्टिव मोड में हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को रन करते हैं, हर स्टेटमेंट का एक अलग से आउटपुट नजर आता है आपको, ठीक है। तो आप इसको पाइथन के स्क्रिप्ट में एज अ प्रोग्राम भी कर सकते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स को, अदरवाइज एक और मेथड में आपको बताऊंगी इनको कलेक्टिवली एक साथ स्टेटमेंट्स को ग्रुप करने के लिए कैसे कर सकते हैं आप ग्रुप। देखिए इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, वाई एक्सिस को भी, वाई एक्सिस को भी कोई लेबल दे सकते हैं और इस तरह से आप फिर बाद में इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो देखो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, सपोज मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ से कॉपी किया मैंने यहाँ से स्टेटमेंट और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि ये इसका मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट इसी का पार्ट बन जाए, ग्रुप हो जाए स्टेटमेंट्स, तो मैं सिंपल एंटर प्रेस करने के बजाय क्या करूंगी, कंट्रोल एंटर करूंगी, कंट्रोल के साथ मुझे एंटर प्रेस करना है। जब आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। फिर मैं यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट को डाल रही हूँ और वो दूसरी स्टेटमेंट मेरी क्या है, मैं एक्स को लेबल प्रोवाइड कर रही हूँ, कंट्रोल सी किया मैंने और मैं दूसरी स्टेटमेंट ले रही हूँ, ये मैंने दूसरी स्टेटमेंट ली।
ठीक है, अब मैं जब एंटर करूंगी तो ये क्या होगा, ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स को एक ग्रुप में क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ये देखिए है ना, सारे स्टेटमेंट्स जो है एक ग्रुप बना करके उसने एग्जीक्यूट कर दिया। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये देखिए x एक्सिस आ गया और पूरा लाइन चार्ट आ गया, बाकी का फिर करेंगे। ओके बाय।